बैक आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चीबी टी आरिया में। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप क्रिकेट चैनल पर जहाँ आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया 2023 के बारे में। तो ये वो ओडीआई सीरीज का फर्स्ट मैच है दोस्तों, जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच में ऑन ग्राउंड ऑफ। ये ओडीआई का फर्स्ट मैच है दोस्तों, जो कि खेला जाएगा 10 जनवरी ट्यूसडे को इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में ऑन ग्राउंड ऑफ वर्सापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। और इसका लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समय के अनुसार 1:30 PM से देखने को मिलेगा। तो आप बने रहे हमारे साथ, आगे के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस मैच का फुल प्रूफ एनालिसिस, जो कि होगा प्री मैच एनालिसिस। और साथ ही साथ दोस्तों नजर डालेंगे कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को विन करने वाली है और कौन सी टीम लॉस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें, आगे के वीडियो में काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बात करते हैं दोस्तों मैच के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। तो हाईएस्ट ओपनर स्कोर हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव और इंडिया की साइड से, और ये एक रन स्कोरर बल्लेबाज हैं दोस्तों। और हर मैच में करीबी इन्होंने अच्छे रन बनाए और अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं दोस्तों। वहीं अगर टॉप विकेट टेकर के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद सिराज हैं टॉप विकेट टेकर, और ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं दोस्तों अपनी टीम की तरफ से। वहीं अगर श्रीलंका के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो पार्थो निशांका हैं हाईएस्ट ओपनर स्कोरर, और वहीं जेफ्री वांडर्स हैं टॉप विकेट टेकर। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वर्सापारा क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर टॉस के बाद सबसे पहले बॉलिंग करने बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक इस पिच पर ओडीआई के टोटल 2 मैचेज हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम ने ही दोनों मैच में जीत दर्ज किया है। अगर यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें ओडीआई की, तो 186 रन है दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स का। लेकिन इस मैच का एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में बात करें तो 230 से 270 तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इस पिच पर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग के बारे में। तो यहाँ की पिच पर रन बनाने में काफ़ी आसानी होती है और बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी है दोस्तों। जो बल्लेबाज की टाइमिंग बेहतर है वो आसानी से इस पिच पर रन बना सकते हैं। और अगर बॉलिंग के बारे में बात किया जाए तो फास्ट बॉलर को अच्छी मदद मिल सकती है इस पिच से, और स्पिनर्स को भी, दोनों बॉलर को इस पिच से मदद मिलने वाली है दोस्तों, और अच्छा विकेट मिल सकता है। अगर दोनों टीमों के हम की प्लेयर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इंडिया की साइड से फर्स्ट में हम रखना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव को, सेकंड में आएंगे विराट कोहली और तीसरे में होंगे मोहम्मद सिराज। वहीं अगर श्रीलंका के साइड से की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट में हम रखना चाहेंगे पार्थो निशांका को, सेकंड में आएंगे कुशल मेंडिस और तीसरे में होंगे जेफ्री वांडर्स से। दोस्तों अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में हम बात करें, तो इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच आमने सामने 17 दिसंबर 2017 से 23 जुलाई 2021 तक 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से इंडिया ने 4 में जीत दर्ज किया और श्रीलंका ने 1 में जीत दर्ज किया। देखा जाए तो इंडिया की टीम काफ़ी भारी पड़ी है श्रीलंका की टीम के ऊपर, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम इस मैच को विन करने वाली है। तो अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड को हम देखते हुए बात करें दोस्तों, तो इंडिया हमारी फाइनल विनिंग टीम हो सकती है दोस्तों हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन की तरफ से। तो वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको जरूर मेंशन करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बिता लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।